राजधानी रांची के 15 ओपी थाना क्षेत्र में अहले सुबह आग लगी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस घटना में कार एसेसरीज की दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकानदार के अनुसार दुकान में रखे करीब 25 से 30 लाख का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। दुकानदार को घटना की जानकारी सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास मिली। दुकान में उठते धुएं को देखकर स्थानीय लोगों ने दुकानदार को सूचना दी थी, जिसके बाद दुकानदार मौके पर पहुंचा। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों के साथ पहुंची, जहां आग पर काबू पाने का घंटों प्रयास किया गया, लेकिन सामानों को जलने से बचा नहीं पाए। दुकानदार के अनुसार शरारती तत्वों के द्वारा इस आगलगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जांच में जुटी है। इसकी दुकान है नकीटाल चौक पर। रात में अचानक 3:30-4 बजे खबर आया कि दुकान से धुआं निकल रहा है। हम लोग बगल में पीछे ही रहते हैं, दौड़ के आए। उसके फोन थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किया, उनके द्वारा सब PCR वगैरह भेजा गया। दमकल गाड़ी आई, 5-5 दमकल आया, लेकिन बुता नहीं पा रहा था। इसमें किसी शरारती तत्वों का हाथ है इसमें, जिन्होंने इस तरह का कांड किया। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग करीब 25 से 30 लाख रुपए। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।